अगर जयपाल सिंह जैसे एक लीडर भी हमारे साथ दे दे तो नथिंग इज इम्पॉसिबल बाय द नेम ऑफ मयूरभंजिया। नमस्कार, मैं नूर नॉलेज मयूरभंज से नूरुल इस्लाम आप सभी को स्वागत करता हूं। आप देखना शुरू कर चुके हैं नूर नॉलेज मयूरभंज। देखो तो बंधुगण, आपण समस्तंको स्वागत करूछि मोर नूर नॉलेज मयूरभंज चैनल को। जेमती मो चैनल रे प्रथम रु आपनको कहिछि कि आई एम नॉट हियर टू मोटिवेट यू, आई एम हियर टू इंस्पायर यू गाइस। मो चैनल रो प्रथम रु ही मु कहिछि कि मो चैनल रो लक्ष्य हैला गुरुगं के पंडित रघुनाथ मुर्मू को भारत रत्न दिलेबार मिशन सहित अलीची की लिपि को घर घर पर्यंत पहुंचेबा। प्रत्येक ट्राइबल ताकु व्यवहार करंतु, केवल सांताली कम्युनिटी भीतर रो नुह। मु मो एपिसोड रे बतेई सेतबेले अन्य समस्त अलची की टीचर मानंको ठु मध्य मु जानिबा पई चेष्टा करिछि के अलची की रे पृथ्वीर जेकोनोसी भाषा को तार उच्चारण सहित लेखा जाई पारे। तेणु नूर नॉलेज रो विरोध करने को आसीथिबा किति व्यक्ति विशेष कमेंट पढ़ला परे मु आपण मानन को जणै देबा पई चाहूची कि जेतेबेले सुखलाल मारंटी मूवमेंट आरंभ करथिले सेतेबेले मु नूर नॉलेज मयूरभंज रु रहीकिरी चैलेंज करथिली रविश कुमार कठु आरंभ करी सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म रे थिबा बड़ बड़ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मानन को कि बारीपदारु चली चली पिला जाउछंती किछि डिमांड नहीं कि सेमानन को गाइड करा जाउ। आसंतु सेठ आरंभ करुची। नेतृत्व सबुठारु बड़ जिनिस जेकोसी मोमेंट पानी पुणी आपण मानको जणै दउची कि मु बाय प्रोफेशन जर्नलिस्ट दीर्घ 35 वर्ष मीडिया फील्ड रे काम कला परे मु पैसा कमेबा पई ये यूट्यूब चैनल आरंभ करिनि। मु यूट्यूब चैनल आरंभ करिछि तो मयूरभंज रो माटी पवन पानी सहित बड़ होइछि। सबु सांग बंधु मो बंधु मो चियंक मो पिलांक मो बापांक ऑल आर ट्राइबल्स। तेणु 35 वर्ष रो ये मीडिया एक्सपीरियंस को मो ट्राइबल कम्युनिटी एवं मयूरभंज को दबा पई किछि खोजुछि केवल एक्सपीरियंस्ड। आई एम नॉट ए सीनियर वन, आई एम ए एक्सपीरियंस्ड गाय। मूवमेंट चालीबा पाई नेतृत्व सबुठारु बड़ जिनिस। जेमिति कि आपण समस्तंको आज एमिति एक नेतांक सहित भेटेबी ट्राइबल लीडर जयपाल सिंह मुंडा। नुआ जेनेरेशन को तांको विषय रे किछि मालूम नथाई पारे। बाकी आजिर पॉडकास्ट को पॉडकास्ट रो अर्थ हैला, आजिर एपिसोड रो अर्थ हैला पॉडकास्ट करबा पई जाउची। ऑडियो इज इम्पोर्टेंट मोर देन द वीडियो। वीडियो से ऑडियो इम्पोर्टेंट है। ये पॉडकास्ट में मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ। ये मेरी सेकंड पॉडकास्ट है। इस पॉडकास्ट के किरदार जो हैं मेरे पास, ये किरदार मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, जिनका बारे में मैं आज बोलना चाहता हूँ। ये होते हैं जयपाल सिंह मुंडा। 1938 में जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा बना करके उसकी अध्यक्षता ग्रहण करके बिहार से अलग एक झारखंड राज्य गठन करने की ठान ली थी। जयपाल सिंह मुंडा जैसे लीडर ने इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए आदिवासी महासभा बनाए थे। जयपाल सिंह मुंडा एक धारे जड़े प्रतिष्ठित खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन, प्रथम ओलंपिक गोल्ड मेडल आनी थिले जयपाल सिंह। तांको अधीन रे जो खेलाड़ी गुड़ा खेलुथिले तांको मान्यता बहुत मिलिथिबा बेले जयपाल सिंह को मान्यता मिली नाही। मु जयपाल सिंह कर आज ये पॉडकास्ट अछि। पॉडकास्ट अर्थ हैला ऑडियो इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वीडियो। तेणु आज बस मु आपण मानको जणैबा पई चाहूची के मयूरभंज स्टेट बनेबा पई प्रथमे आरंभ करिछन्ती। ठीक अछि, ए मूवमेंट नुआ जेनरेशन पई आरंभ होइछि, किंतु
ଭଲ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଅଛି। ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରାଯାଏ। କେବଳ ସାନ୍ତାଳୀ ନୁହଁ, କେବଳ ମୁଣ୍ଡା ନୁହଁ, କେବଳ ବିଜେଡ଼ି ନୁହଁ, କେବଳ ବିଜେପି ନୁହଁ, କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ନୁହଁ, ରାଜନୀତି ନୁହଁ, ହକ୍ ମାଗିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ହେବ। ସମସ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯେଉଁମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଆପଣମାନେ ଏ ଲିଡରମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଭଳିଆ ଜୟପାଲ ସିଂ ଭଳିଆ ବହୁତ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରାଇବାଲ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପିପୁଲ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋ ସିନା ଗର୍ବର ସହିତ ଫୁଲି ଯାଉଛି କି ହଁ, ଏ ମୁଭମେଣ୍ଟର ସହିତ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଯୋଡ଼ିଲେଣି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଦୁଇଟି ଏପିସୋଡ୍ ଗଲା ପରେ ସେପରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହାଲଢ଼େଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି କି କମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ହଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଗିଲେଣି, ଜାଗନ୍ତୁ, ସଂଘର୍ଷ ଚାଲୁ ରହୁ। ସଂଘର୍ଷକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାଫି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଅଛନ୍ତି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସଠୁ ନେଇକରି ପଲିଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ସେ ନଲେଜ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲିଡରସିପ୍ର ଗଠନ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମହାସଭା ଗଠନ କରନ୍ତୁ। ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁକିଛି ଥୋଇଦେଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଛି। ହଁ, ଆଜି ମୋତେ ହୃଦବୋଧ ହେଲା, ମୋର କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ମୋର କିଛି ଭିୱର୍ସ ଅତି ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେ କମେଣ୍ଟକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଅଭଦ୍ରାମୀ ବି କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଆପଣ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର ଶୋଭା ଦିଏନି। ଯଦି ଆପଣ ମୁର୍ମୁ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସାରେନ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ମାରାଣ୍ଡି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ ଅପଶବ୍ଦ ସବୁ ବାହାରୁଛି କମେଣ୍ଟରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଦିବାସୀ କେବେ କରେ ନା। ଆଦିବାସୀ କାହାରିକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଦିକୁଙ୍କ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରି କମେଣ୍ଟ ଲେଖେ ନା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜନ୍ମ ଆଦିବାସୀ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ହେଇଛନ୍ତି ସତ, ବଟ୍ ଆପଣ ଏବ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମଥା ଭିତରେ ସେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁ ଗୁଣଟା ଆଦିବାସୀ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆଦି, ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣମାନେ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଅପଶବ୍ଦ ବାହାରିବା ଶୋଭା ଦିଏନି। ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ମନା ନାହିଁ। ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବ୍ୟୁଜ୍ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା କାହାରିକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ଫିଲ୍ଡରେ, ମିଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ଡରେ, ମୁଁ କେବେ ବି କାହାରିକୁ ଡରିନି। ଓ ବେବାଗୀର ସହିତ କରପ୍ସନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁ ନେତାକୁ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ, ନୂର ନଲେଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ, ମୁଁ RSSର ପ୍ରମୁଖ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଛି କି ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଆସାମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତାଳୀ କ୍ୟାଟେଗୋରିରୁ ବାହାର କରି OBC କ୍ୟାଟେଗୋରିରେ କାହିଁ ରଖାହେଇଛି। ରବିଶ କୁମାର ଭଳିଆ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ରହିକି। ମୋତେ ଭୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ, ମୋ ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବିକଜ୍ I am ନୁରୁଲ ଇସଲାମ ହିୟର ନଟ୍ ଟୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ୟୁ, I am ହିୟର ଟୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ୟୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୁକାୟିତ କଳା ଅଛି, ସେ ଲୁକାୟିତ କଳାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନସାରା ଭିତରେ ଯାହା ଶିଖିଛି, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ସରେ 10,000 ଭ୍ୟୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜର ନାମ ମାରାଣ୍ଡି ମୁର୍ମୁ କରିକି ଅପବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଆପଣ ବୁଝିଲେ। कुछ कहा जाता है, कुछ नहीं कहकर भी समझाया जाता है। एक अच्छी लीडरशिप, जिनके पास काफी एजुकेशन है, मैं आज पढ़ने के बाद एकदम श्योर हूं कि इस तरह का लोग, आप लोग अगर मिलेंगे, आप लोग अगर आएंगे, रिटायर्ड IAS ऑफिसर, रिटायर्ड OAS ऑफिसर, रिटायर्ड मजिस्ट्रेट, अरे यार, हिंदुस्तान के टॉप 9 में अगर इसी मयूरभंज के लोग हैं, तो आप बहुत अच्छे अच्छे ट्राइबल, टैलेंटेड ट्राइबल हैं। आप सभी को जुड़ना पड़ेगा इस मुहिम को, इस मुहिम को आगे लेना पड़ेगा। अगर जयपाल सिंह जैसे एक लीडर भी हमारे साथ दे दे, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल बाय द नेम ऑफ मयूरभंजिया। हिंदुस्तान के संविधान बनाने से लेकर के हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल ओलंपिक में पहली बार 1928 में देने वाले जयपाल सिंह मुंडा के बारे में एक स्पेशल एपिसोड लेके आप लोगों के पास आऊंगा। धैर्य के साथ रहें। बी ट्यून्ड विथ नूर नॉलेज मयूरभंज। हमें जयपाल सिंह जैसे लीडर की जरूरत है, उनको मान्यता दिलाने की फाइट भी जरूरी है। आप सभी इंतजार करें, मैं पूरी एपिसोड लेके आ रहा हूं जयपाल सिंह जी का।
उनके बारे में उनकी डिटेल हिस्ट्री के साथ क्यों नहीं उनको उतना मान्यता दिया गया है अभी तक जितना उनको मिलना जरूरी था। यूट्यूबर गाइडलाइन भितर रहीकि ही जड़े यूट्यूबर काम करी आपण माने सेमिति सांबादिकता मोर देखा चाहूँगी तेज मो चैनल जो चैनल पर मु काम करी कहवा नाम उचित हेनी नचे मो फेसबुक जाकि देखु मुरण जर्नालीजिम कै ये मुझे जर्नालीजिम करने आसनी एटी मुझे इन्स्पायर करने आसी जदि मो जर्नालीजिम देखार अच्छी तेज आपण मैंने मो फेसबुक पेज को जातु नूरुल इस्लाम मारे से पगड़ीवाला लोकटे मिल आपकी मोर सब भिड देखु मुरण जर्नालीस्ट मेरी ब्रॉडकास्ट को अभी तक सुनने के लिए आप लोग धैर्य के साथ सुने इसलिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। आपका कीमती वक्त मुझे दिए अनुरोध करूँगा कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें। जो आप लोगों को बुरा समझा रहे हैं उन्हें समझा दीजिए। मेरी सारी वीडियोस देखिए, कहीं पर भी मैंने किसी भी तरह का किसी को मिसगाइड नहीं किया हूं। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, हैविंग विद रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबों का शुक्रिया। मेरी सेकेंड ब्रॉडकास्ट को आप लोग देखे इसलिए मैं आप लोगों के पास हमेशा चिरऋणी रहूं।